सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने बताया यहाँ पर ये फ्रस्टम है। फ्रस्टम क्या होता है पहले इसको समझिए, जब किसी कोण को हम बीच से कट कर देते हैं तो जो छोटा कोण बचता है उस कोण को हटा दीजिए, और इसके बाद जो है जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है, वो पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। मान लीजिए पूरा ये कोण होता है तो बीच से हमने इसे कट करके बाहर निकाल दिया तो ये एक शेप बना है, जैसे सामान्यतया हम देखते हैं कि बकेट का शेप है। यानी बकेट का मतलब ये हुआ कि ये हमने यहाँ पर इस चीज को ये देखा आपने जो है बकेट जैसा बना हुआ है, इसमें जो टॉप की जो बड़ी रेडियस है एक जगह छोटी रेडियस है, और आपका थोड़ा ध्यान रखना है कि रेडियस जो है आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, ये जो है आर वन आर टू से हमारी क्या है बड़ी है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसके वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारा कोण का वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पर दो आर है तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू, और कर्व सरफेस एरिया जो है साइड साइड से जो कर्व का शेप है वो सरफेस जो सतह हम साइड साइड किनारे किनारे जिसे हम छू पाते हैं वह जो है कर्व लिए हुए शेप है उसका एरिया होता है पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। और यहाँ पर जो एल किया गया है अभी बच्चों का थोड़ा सा शुरू हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे म्यूट कर देना थोड़ी देर के लिए, और दिस इज अभी फिलहाल जब तक मैं इसको डिस्कशन करता हूं और तब तक जो है मैं इसे यहां पर आपको इस क्वेश्चन के लिए तो बच्चों अभी जो है मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूं, इसको आप ध्यान से समझें और मेरी स्क्रीन खाली खुल गई, क्या करना है तुम्हें ये बताओ है? ना कोई जरूरत नहीं है, सही लगा है, सही लगा है ना, रहन दो तुम लगा दो जो करना है, मैं नहीं उठूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 13.4 इसको आप समझे कि ये जो है हमारे पास जो हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन वन है, और ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, आपको बताना है ग्लास की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक ये हमारा है क्वेश्चन नंबर वन, ये हमारा ग्लास है लाइक ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के शेप में है, और इस फ्रस्टम में जो इसकी हाइट दी गई है वो हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 14 सेंटीमीटर H इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो है ठीक सबसे, अब इसमें इसके बाद जो रेडियस दी गई है डायमीटर, पहला हमारे पास एक दिया गया है D1, दूसरा दिया गया है D2, दोनों ही चीजों को आप ध्यान से देखें, इसमें कहा गया है कि द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड
ये जो सर्कुलर एंड है इसका डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और दूसरा डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो हमारा R1 R2 हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि ये हमारे पास जो है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम भी इज इक्वल टू मैंने बताया है 1/3 πh, 1/3 πh ब्रैकेट में R1 square plus R2 square plus R1 R2 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 1/3 × π की वैल्यू बोला गया है 22/7 और साथ में h की वैल्यू है 14, R1 की वैल्यू है 2 square plus 1 square plus 2 × 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें से 7 से इसको हम कट करेंगे 2 बार में। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, तो गेट 1/3 × 22 × 2 ब्रैकेट में 4 plus 1 plus 2 हमने जो है इसे बनाया। अब इसके बाद जो है इसे थोड़ा सा सिंपल करते हैं 1/3 × 14 × 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है 308/3 दैट इज इक्वल टू 102/3 cm³। तो बहुत आसान है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपली हम इसमें देखते हैं कि हमें केवल जो है h r1 r2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और देन इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना। तो हमने इजी वे में देखा कि ये हमारा फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम इसमें अप्लाई हुआ है, हमने आइडेंटिटी में r1 r2 h तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, गेट द रिजल्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ग्लास व्हिच इज गिवन। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि अ स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरिमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एज आर 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो पहली बात तो यहां पर दिया गया है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, क्या गिवन है, फ्रस्टम का स्लैंट हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यह है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दिया गया है पेरिमीटर, पेरिमीटर क्या होता है कि जो सर्कुलर इंड होते हैं बाहर का राउंड शेप जो होता है वो राउंड शेप जो है हमारा सर्कमफ्रेंस, तो यानी पहले वाले का सर्कमफ्रेंस C1, दूसरे वाले का सर्कमफ्रेंस हमारा C2 गिवन है, तो C1 कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर और दूसरा कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारा C1 C2 हो गया, हम जानते हैं C1 की वैल्यू क्या होती है, C1 होता है पाई, हमारे पास 2 πr, ये 1 = 18 और 2 πr² = 6, तो हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ हमने देखा कि πr₁ = 9 हो गया और πr₂ = 3 हो गया। यहाँ पर R1 की वैल्यू हो गई 9/π cm, R2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/π cm, तो ये हमने जो है दोनों रेडियस को हमने यहाँ पर फाइंड कर। अब इसके बाद जो है CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का CSA मैंने लिखवा रखा है पाई R1 प्लस R2 L, तो ये हमारे पास है पाई, R1 हमारा 9/ उसको पहले आइडेंटिटी हमें लिखना होता है, पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे और देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इज पाई और यहां पर है हमारे पास R1 प्लस R2 × L एंड R1 आपके पास 9/π 3/π और L की वैल्यू है 4, तो पाई कॉमन लेंगे पाई पाई हमारा कट जाएगा, ये पाई से हमारा दोनों पाई कट गया और ये हो गया 12 × 4 8, तो ये हमारे पास
जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आसानी से हम फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया भी हम जो है निकाल सकते हैं। अब इसके बाद सिंपल है, एरिया का स्लैंट हाइट, दोनों का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस दिया था, उससे दोनों की रेडियस निकाली, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, गेट द रिजल्ट, हमने जो है वो रिजल्ट प्राप्त कर लिया जिसे हमें जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है इसमें कि अफेस द कैप यूज्ड बाय द टक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ द कोन, द फिगर गिवन बिलो, इट इज रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस एट द अपर इज 4 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक इट। तो एक फेज है जो हमारे होता है जोकर की टोपी बोल सकते हैं, तो वह टोपी जो है कैसी है हमारे फेज यानी फ्रस्टम के शेप की है। तो एक फ्रस्टम का शेप दिया गया है, फ्रस्टम को पहले समझें, फ्रस्टम इज लाइक, तो ये यहां पर ये हमारे पास फ्रस्टम है और इस फ्रस्टम में रेडियस ऑफ ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका आर वन जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमारा आर टू जो है 4 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस बेस दिया गया है स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज अ 15 सेंटीमीटर गिवन है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है बच्चों की जो टोपी होती है कैप, कैप को पहले प्रैक्टिकली समझिए, टोपी में क्या होता है कि जहां पे हम सिर अपना रखते हैं वो पोर्शन खाली होता है और जो टॉप का पोर्शन होता है वो कपड़े से कवर होता है। फ्रस्टम में तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया तो पूरी होगी, साथ ही इसका टॉप भी होगा, टॉप भी कपड़े से कवर होगा, तभी वो कैप पूरी मानी जाएगी। पता लगा कि जो है हम दोनों ओर से ओपन है, तो मान लीजिए फ्रस्टम शेप में खींचा गया तो पूरा जो है वो नीचे आ गया, ऐसा नहीं चाहिए। टोपी जो है ऐसा है, मजाकिया है, इसमें जो है फ्रस्टम के शेप में है तो केवल ओपन नीचे जो है बेस पर बट ओपन है, टॉप हमारा पूरी तरह से भरा गया है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं आपका एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आर वन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर टू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो अब इस फ्रस्टम के अकॉर्डिंग हम टोटल लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास पहला हो गया पाई आर वन प्लस आर टू, ये तो हमारा एल हो गया प्लस, और जो आर टू वाला पोर्शन है छोटा पोर्शन है वो टॉप पर है उसकी एरिया भी जोड़ेंगे, तो पाई आर टू का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सबकी बारी आती है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की, तो हमारे पास पाई आर वन हमारे पास है 10 प्लस 4 इंटू एल की वैल्यू है 15 प्लस पाई आर टू की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पर पाई और इंटू 14 इंटू 15 प्लस 16, तो ये हमने जो है इस वैल्यू को बना दिया। अब इसे थोड़ा सा हम जो है सॉल्व करते हैं, तो ये जो है प्रोडक्ट करेंगे नंबर्स का, तो ये हमारे पास है 210 पाई, दैट इज 210 पाई प्लस 16 पाई इज इक्वल टू 226 और पाई की वैल्यू 22 बाई में 7, तो हम इसको जब रखेंगे तो गेट 710 होल 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर। फिर ध्यान रखिएगा ये फेज है, जोकर की टोपी है, नीचे से जो है ओपन है, टॉप इसका कवर है, और इसमें जो है हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। टोटल में क्या रखा है, एक कर्व सरफेस एरिया प्लस एक टॉप का सर्कल एरिया को हमने ऐड कर दिया, दैट इज द एरिया ऑफ मटेरियल क्योंकि जिससे यह जो है मजाकिया टोपी हमारी जो है बनी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो
क्वेश्चन फोर, क्योंकि YouTube पे जो वीडियो हमारी पढ़ रही थी वो वीडियो इस चैप्टर को कम से कम कंप्लीट हो जाए, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको इसमें जो आगे के चीजें हैं उनको कंटिन्यू करूंगा। तो ये है कि क्वेश्चन फोर कहता है अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल सीट। एक कंटेनर जो है जिसका टॉप खुला हुआ है और वह जो है मेटल सीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। ऐसा फ्रस्टम ऑफ कोन बन रहा है जिसकी हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है एंड रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इज 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये दो तीन बातें आपकी दी गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 centimeter square. Take pi is equal to 3.14. तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन 4 कहता है इसमें आपका दिया गया है रेडियस और एक एच दिया है, आर वन गिवन है, आर टू गिवन है। एच हमारा कितना गिवन है? एच इज गिवन 16 सेंटीमीटर। आर वन कितना दिया है? आर वन गिवन इज द 20 सेंटीमीटर। आर टू गिवन है, ये हमारे पास जो है 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है यहां पर हमें निकालना है फ्रस्टम का, क्योंकि हमें सीट की एरिया भी चाहिए। तो साथ ही साथ हम एल को भी फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट में आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दिस इज दी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को पहले फाइंड करना है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, पहला वर्क है आर टू। तो आर वन हमारे पास 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं 20 में से ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 144 प्लस, और 16 का स्क्वायर 256 अंडर रूट में। अब आप देखेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ 400 और ये हमारा हो गया 20 मीटर। तो हमने स्लैंट हाइट को फाइंड कर लिया। अब इसमें बात आ रही है कि हम इसकी आगे के इसके कंटेनर को हम आगे कैसे करेंगे। पहला हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू ब्रैकेट क्लोज। हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां पर हम देख रहे हैं 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एच की वैल्यू इसमें दिया गया है 16 इंटू आर वन की वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हमारे पास जो है 3.14 इंटू 16 बाई में 3 ब्रैकेट में 400 प्लस 64 प्लस 160 ब्रैकेट क्लोज 3.14 into 16 by में 3 into। अब जब हम इसमें लिखेंगे साथ में हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी 624। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे टोटल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो है इसका वॉल्यूम है। अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वॉल्यूम को हम जो है चेंज करते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास जो है 1000 हमारा दिया गया है, तो हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर हमारे पास क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आपके पास जो वैल्यू होती है ये हमारे पास इसमें देखिए बच्चों, ये हमारे पास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 यहां पर लीटर।
तो हमारे पास हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10449.92 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर दैट इज इक्वल टू 10.44992 लीटर। ये वैल्यू हमारी आ गई लीटर में। तो हम जो है इसमें काम करते हैं, इतने आगे वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल के थ्री प्लेस तक की वैल्यू को निकाला जाता है, और थर्ड प्लेस अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो सेकंड प्लेस को एक अंक बढ़ा देते हैं। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 10.45 लीटर। अब हम इसकी कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट भी दिया गया है बच्चों, कॉस्ट कहा गया है कि हमारे पास इस कस्टम में जो दूध की कीमत है वो कीमत भी हम जो है इसको इंक्लूड करेंगे और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा गया है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, 1 लीटर दूध की कीमत जो है ₹20, ये हमारा 20 है, ये कितना आ गया, तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 10.45 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 209, ये जो है रुपीस, तो 209 रुपए जो है हमारे इसमें जो है हो जाएगा, ये पहला आपका आंसर। फिर इसके बाद होता है बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो एक लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो हमारे पास दिया गया, या कंटेनर ब्रैकेट में लिखते हैं, कंटेनर है जो, तो कंटेनर जो है कैसा है, टॉप जो है उसका खुला हुआ है, केवल बॉटम हमें चाहिए, तो बॉटम हमारे पास जो है हमारा दिया गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहला होता है पाई आर वन प्लस आर टू एल प्लस, और हमें देखना है कि इसमें जो बॉटम हमारा दिया गया है आर टू की वैल्यू को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो है हमारे पास जो है पाई आर टू ये जो है बेस है, तो बेस की एरिया जोड़ी गई और ये क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया है, तो हमने इसकी वैल्यू को हमने यहां पर इंक्लूड किया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर वन हमारे पास जो दिया गया है, आर वन हमारा है 20 प्लस 8 इंटू एल की वैल्यू हमने निकाली है 20 प्लस पाई की वैल्यू 3.14, आर टू की वैल्यू हमारी क्या है 8 का स्क्वायर, हमारे पास 3.14 इंटू 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 64, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो है ये वैल्यू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास ये 3.14 इंटू 0 to 4 5 60 प्लस 3.14 इंटू 64। अब हमारे पास इसकी वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं, तो इन सबको हमने जोड़ा जाए तो 3.14 ब्रैकेट में आपके पास 560 प्लस 64 ब्रैकेट क्लोज 3.14 इंटू 4 12 और 5 6 24, द वैल्यू इज 624, इतना जो है आपका दिया गया है, इसको जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने हमारे वैल्यू जो दिया गया है इसमें जो साथ में इसको हम प्रोडक्ट कर लें, ध्यान से देखो बच्चों आप भी इसे अपना चेक कर सकते हैं, 3.14 इंटू 624 दैट इज इक्वल टू 1959.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इस मेटल की कॉस्ट भी निकाली गई है, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना दिया गया है ₹8 है, तो कॉस्ट ऑफ 1959.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
8 × 1959.46 दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है इसको भी हम यहाँ पर सही करेंगे मेटल सीट, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट है सेंटीमीटर क्यूब में है और हम इसमें जो है यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है हमारे पास इसको हम 8 का मल्टीप्लाई करें द रिजल्टेंट इज 8। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें, सभी हमारे सेंटीमीटर दिए गए हैं, हमने सरफेस एरिया निकाली, 8 का मल्टीप्लाई किया गया 8 × द रिजल्ट इज 1959.59 तो पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में स्क्वायर में है ना अमाउंट, तो और अभी उसमें 100 से डिवाइड भी करेंगे बेटा 59.46 दैट इज इक्वल टू रिजल्ट इज 15675.68। और क्योंकि ये पर 100 है तो यहाँ बाई में 100, यहाँ भी बाई में 100 और यहाँ भी बाई में 100 दैट इज इक्वल टू 156.7568। ये हमारे पास हो गया 156 और यहाँ पर हो जाएगा 0.76 रुपीज जो है इसका आंसर है और इसको जो है दे सकते हैं। तो एक बार फिर से इस पूरे फ्रस्टम को देख लें, फ्रस्टम का शेप ऐसा है जो नीचे से क्लोज है, टॉप पर आपका जो है बंद है और यहां पर इसकी आर दी गई है 20, इसकी एच 8 है, 16 है, हमने स्लैंट हाइट भी निकाल ली 20, इसका सरफेस एरिया भी निकालना है, इसका स्लैंट हाइट भी निकालना है, इसका जो है वॉल्यूम भी निकालना है और हम अपने रिजल्ट को आपके सामने कहां पर हमने रख दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके तब मैं आगे बढ़ता हूं और फिर आपकी प्रॉब्लम पे आता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको भी थोड़ा समझें, क्योंकि कई बार होता है कि सिंगल टाइम जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जरूरी है कि हम क्वेश्चन को 2 times, 3 times एक बार अच्छे से पढ़ें और माइंड में उसे सॉल्व करने का पहले प्रयास करें। प्रयास तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है और वह जो है 20 सेंटीमीटर हाइट का है एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 degrees इज कट इनटू 2 parts एट अ मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन parallel to the base if the frustum so obtained is drawn into the wire diameter 1/16 centimeter find the length of the wire। तो पहला काम हमारे पास जो है इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है 60 degrees, तो एक हमारा कोण है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कोण दिया गया है और इस कोण में ये वर्टिकल एंगल हमारा 60 है और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आधा एंगल हमारा जो है 30 हो जाएगा और इसका नाम ए बी सी और हमें इसके बिल्कुल बीचों बीच से इसे कट किया जा रहा है, बिल्कुल बीच में से मिडिल में से इसे कट करके हमें निकाला जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोण जो है दिया गया है हाइट का है तो इसकी पूरी हाइट हमारी जो है कितना है 20 सेंटीमीटर और मिडिल से इसको काट किया जा रहा है तो ये हाइट जो हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और जैसे हमारे पास ये होता है कि ट्रायंगल ए बी सी तो यहां पर हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश में अब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल है, थीटा हमारा है 10 30 degrees इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है आर टू है, ये हमारा आर वन है, तो 10 ये हो जाएगा आर टू अपॉन ए बी डैश, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आर टू की वैल्यू हमें निकालना है और ए बी डैश की वैल्यू हमारी 10 है
आर टू इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। फिर हम यही काम जो है बड़े ट्रायंगल एबीसी में लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी में 10 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सीबी, यानी कि हमारे पास आर वन अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू 1/3 में रूट 3 और आर वन अपॉन ए बी की वैल्यू 20। सो आर वन इज इक्वल टू 20 अपॉन अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर बात ये दोनों आ गई, अब साथ में जो हमारा फ्रस्टम है उसे कट करके हम निकाल दे रहे हैं, यानी ऊपर है कॉनिकल पोर्शन निकाल दिया हमने, तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू ब्रैकेट क्लोज 1/3 और पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7। एच की वैल्यू हमारे ऊपर 10 है तो ये 10 हो जाएगी। आर वन का स्क्वायर हमारे पास हो गया 20/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा 10/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20/3 इंटू 10/3 और ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू 10 ब्रैकेट में 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 220/21 इंटू 700/3 यहाँ पर 3 और यहाँ 7 से कटेगा 700/3 तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 220/9 यहाँ पर आपके पास 9। तो हमने जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब इसकी जो है वॉल्यूम निकाल दी। अब इस वॉल्यूम को हमें तार निकालना है, तार बनाना है, तो इस तार को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। कैलकुलेशन है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है, बच्चे पूछते भी हैं हमसे। तो यहां पर हमें जो है बोला गया है कि रेडियस जो दिया गया, देखिए आर हमारे पास जिस वायर की है 1/2 × 1/16 डायमीटर है, तो आपका 1/32 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने पास लेंथ मान लीजिए, इसकी हाइट लेंथ जो है एल आपकी क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर होगी। अब इसके बाद जो है हम इसमें क्या करते हैं, वाई का वॉल्यूम निकालते हैं, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तार जो होता है बिल्कुल पतला तार है, वो एक सिलेंडर के शेप में होता है, तार निकाला जा रहा है, तो हमने उसके आधार पर हमने वैल्यू भरी, वैल्यू हमारे पास हो गई पाई आर क्यूब अपॉन 32 का स्क्वायर इंटू एच हमें नहीं मालूम है, दैट इज द एल। अब हमारे पास जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बोथ ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, बोथ वॉल्यूम आर सेम, दोनों वॉल्यूम हमारे सेम है, ये वाले और ये वाले, इसे इक्वेट करेंगे 22,000/9 × 1/32² × L। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो L की वैल्यू L इज इक्वल टू 22,000/32 / I, ये जो है हमारे पास है। इसको भी सिंपल करते हैं, 22 × 32 × 7/20 ये हमने पाई को भी चेक कर लिया, बाई में 9 तो ये 20 से ये कट गया आपका, 1/2 में 1000 हो गया और ये हमारे पास हो गया 1000 × 32 × 7/9। इसको भी हम सिंपल करेंगे तो L इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है 7,6,4.44 सेंटीमीटर। अब हम इसको चाहे तो मीटर में 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर भी चेंज जाएगा, L इक्वल टू 7,9,6,4.4444 हमारा क्या हो गया मीटर।
ये उस तार की क्या है लंबाई। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को, अपने इस क्वेश्चन को हमें आपके सामने यहाँ पर रखा और इसे भरसक प्रयास किया कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर दूं। और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को है तो वो जो है बोले। हाँ बेटा बोलो। दोबारा समझा दो। अच्छा, फिर से देखिए, एक कोण था, कोण को 20 से कट कर दिया गया, इसका वर्टिकल एंगल जो दिया गया है वो 60 डिग्री है, हमने उसका आधा किया तो 60 का हाफ कितना होता है 30, ये राइट ट्रायंगल बन गया। थीटा के आगे का सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस हो रहा, हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, इससे हमने R1 भी निकाल दी, इससे हमने R2 भी निकाल दी। अब दोनों वैल्यू R1 मिल गया, R2 मिल गया, बीच की हाइट मिल गई, हम सीधे इसका वॉल्यूम निकाली, इसको रख लिया। फिर एक तार है, इसको मेल्ट करके एक वायर बनाया जा रहा है, तो वायर का डायमीटर दिया गया, उससे हमने रेडियस निकाल लिया, लेंथ हमें नहीं मालूम तो हम लेंथ को L ही मान लेंगे। वो हमारा तार जो होगा सिलेंडर के शेप में होगा, तो वो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये जो वॉल्यूम है वो तार का वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम से ही तार बनाया जा रहा है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे सेम होंगे। हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट किया, एल की वैल्यू को यहाँ से ट्रांसफर की, सॉल्व किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और हमारा रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम? L लिखा गया है सर, 79 जो है ये सिलेंडर की हाइट है, लेंथ ऑफ वायर, यानी इसको आप H मान लो चाहे L मान लो, यहाँ हमारे फॉर्मूला होते हैं H ही जो है क्या है हमारा L है। जो सिलेंडर होगा तार को सीधा खड़ा नहीं हो सकता ना, तार हमेशा गिरा रहता है, तो क्या होता है कि हमारा जो तार को सीधे खड़ा करते हैं जितनी लंबाई होगी वो लेंथ हो, सिलेंडर की लेंथ होगी यानी हाइट होगी, तो एच की जगह पे वो एल यूज किया जाएगा और एल को वहां से फाइंड किया। ठीक है, ओके सर, और कोई प्रॉब्लम? सर अब यहाँ से आज मैं जो है इस सरफेस एरिया वॉल्यूम को यहीं पर मैं स्टॉप कर दूंगा। अब नेक्स्ट में जो है हम स्टार्ट करेंगे एपी पर ही, क्योंकि एपी का टेस्ट आपका अगले नेक्स्ट वीक में है, तो हम जो है इसमें एपी का आपका प्रैक्टिस कराएंगे, एपी की खूब अच्छी तैयारी करें और जब